दोस्तों आज की कहानी है भाभी। आज रात के खाने में आप क्या खाएगी? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शीला जी बहुत खुश थी कि उनका बेटा प्रदीप उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। हफ्ते भर बाद शादी थी। शीला जी के भैया भाभी शीला जी के घर शादी में लगने वाले मायके का शगुन लेकर आए थे। साए नाश्ता करने के बाद उनके भाई प्रदीप के साथ बाजार चले गए। शीला जी सुरेखा उनकी भाभी से शादी की तैयारियों के बारे में बात करने लगी। बातों बातों में उन्होंने बताया कि बहू के शादी का लहंगा और कपड़े सब उसकी पसंद से खरीदे हैं। ये सुनकर सुरेखा जी ने कहा, हाय हाय जीजी, ये क्या, अभी शादी हुई भी नहीं और आपकी बहू ने अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी। आपके होते हुए शादी से पहले ही बहू अपनी मन मर्जी चलाने लगी। ये क्या बात हुई के उसकी पसंद का लहंगा और कपड़े खरीदे जाए? क्या आप कोई खराब कपड़े पहनती हैं? आप तो खुद ही एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े खरीदती हैं। फिर बहू को भी वही ले लीजिए, आखिर वो इस घर की बहू बनेगी तो उसे यही की पसंद के हिसाब से चलना होगा। उसे अभी से इतनी सूट देकर क्यों सर पर चढ़ा रही हैं? भाभी आपने अपनी बेटी निशा की शादी में दामाद रोहन और उसके पूरे घरवालों को उन्हीं की पसंद के कपड़े दिलवाए थे ना? शीला जी ने कहा, हाँ जी बिल्कुल, कपड़े उन्हें पहनने थे तो मैंने सोचा अपनी पसंद का ही ले ले, पता लगे मैं पैसे भी खर्च करूँ और उन्हें पसंद भी ना आए। जो कुछ मुझे देना था सब उनकी पसंद का ही दिलवा दिया, अब लड़के वालों को भला कैसे नाराज कर सकते हैं, इसलिए करना पड़ा। आपने तो देखा है हमने बेटी की शादी में कोई कमी नहीं की। आपके भाई ने तो उनकी शौक और मांग को सर आंखों पर रखा और पैसे का मोह बिल्कुल नहीं देखा। मैंने तो समदन जी से कह दिया हमने आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, आप भी हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा। बड़े ही लाड प्यार में पली है हमारी बेटी जीजी। वैसे ही उन्होंने मेरी बात का मान रखा, सब नौकर चाकर लगे रहते हैं मेरी बेटी के आगे पीछे। उसे अपने कमरे का रंग पसंद नहीं आया तो जमाई बाबू ने तुरंत ही पेंट को बुला कर कमरे का रंग बदलवा दिया। मैंने बेटी से कहा, तू किस्मत वाली है जो तुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। अब तू भी वहां सब का अच्छे से ख्याल रखना,
सब कुछ सुनकर शीला जी ने कहा, भाभी आप खुश हैं ना, बेटी को ससुराल वाले इतना प्यार देते हैं, उसकी पसंद ना पसंद का ख्याल रखते हैं। हाँ जी जी बेटियां अपने ससुराल में खुश रहे, माँ बाप और सहते ही क्या हैं। सुरेखा जी ने खुशी से कहा, वही तो मैं भी कर रही हूँ भाभी, आखिर मेरी बहू भी तो किसी की बेटी है। शादी का दिन हर लड़की के लिए खास होता है, उस दिन वो सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं, और उस खास दिन में शादी का जोड़ा उसी की पसंद का हो तो इसमें बुराई ही क्या है। ऐसे हम उसकी भावनाओं को समझेंगे तो उसे हमसे घुलने मिलने आसानी होगी, अब वो भी हमारे परिवार की एक सदस्य है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, तो उसकी किसी इच्छा को पूरा करने में उसका होने वाला परिवार सहयोग करे तो इसमें हर्ज ही क्या है। रिश्ते हुकुम सलाने से नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने से बनते और मजबूत होते हैं। और भाभी बड़ों का तो फर्ज बनता है कि वो अपने से छोटों का ख्याल रखे। शीला जी की बात सुन सुरेखा जी, हम आप सही कह रही हैं जी जी। शीला जी ने कहा, भाभी अब ये सब छोड़िए और बताइए रात के खाने में क्या खाएगी आप, तैयारी कर लो, फिर तो अगली बार आप आएगी तो मेरी बहू आपकी पसंद का खाना खिलाएगी आपको। सुरेखा जी ने नजरे सुरा बेमन से हंस हुए बोली, क्या भाभी आप तो सब कुछ अच्छा ही बनाती हैं, मैं क्या खास बनाऊं, जो सबको पसंद हो वही बना लीजिए। चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ, कहते हुए शीला जी के साथ रसोई में चली गई। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।